हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सी बो, क्योंकि बो का यूज़ अभी सबसे ज़्यादा हमारा कुर्ती और ब्लाउज में यूज़ हो रहा है इसका। तो चलिए आज इस बो को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने अपना फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लंबाई हमें यहाँ पर 9 इंचेस की रखनी है और इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर 7.5 इंचेस की रख रही हूँ इस तरह से। अब हम सबसे पहले लेंथ वाइज इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद अब हमें इसे 3 साइड से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि एक साइड तो हमारा वैसे ही फोल्ड हो रहा है और एंड वाला जो साइड होगा हमारा, वहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके बाकी में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसे सिल लिया है। अब इस तरफ से हम इसे सिलेंगे पूरे को। तो इस तरह से हमें एकदम सीधी सिलाई देनी है इसमें। अब हमने जो थर्ड साइड पे सिलाई लगाना है वो सिर्फ हमें हाफ लगभग लगाना है, बस हम यहीं तक इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से धागा को कट कर लेंगे हम। अब हम इसे देखिए, यहाँ पे हमने इतना मार्जिन रखा है इसे पलटने के लिए। तो सबसे पहले हमें इस कोन को यहाँ पे कट कर लेना होगा। तो इस तरह से हमने कोन को कट कर लिया है। अब हम इसे मोड़ेंगे सीधी साइड पे और किसी भी नोखिली चीज़ से इसकी जो कोन है उसे आप अच्छी तरीके से निकाल लें। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे पेचकस की हेल्प से इसे निकाल ले रही हूँ कोन को। अब हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा हमारा जो मार्जिन रखा था वहाँ पे हमें फैब्रिक को अंदर की साइड पे इस तरह से मोड़ करके अच्छे से बैठा लेना है और ऊपर की साइड से हमें वापस से चारों ओर सिलाई लगा लेनी होगी एक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड भी सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हम धागा को कट कर लेंगे अच्छे से। और धागा कट कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, सेंटर से हमें प्लीट्स बनानी है इस तरह से अपने हाथों से पकड़ के इसे, और आप किसी भी धागे से इसे मोड़ कर अच्छे से, मतलब धागे को मोड़ ले यहाँ पे और इसे अच्छे से बांध ले। तो देखिए, इस तरह से मैंने धागे से इसे इस तरह से मोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे एक पतली सी अपनी फैब्रिक में से एक पतली सी स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक देखिए इस तरह से स्ट्रिप्स ले लिया है, लगभग 1.5 इंच का है ये, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रखें। लगभग हमें 2 से 3 इंच का ज़रूरत पड़ेगा। तो हमें इस तरह से फोल्ड करके इसे सिलाई करना होगा। तो यहाँ मैं पूरे में सिलाई नहीं लगाऊंगी, जितना ज़रूरत है मुझे मैं उतने में ही सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लगभग इतना भी सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे कट करेंगे और लगभग 2 से 3 इंच का यहाँ पे एक पतले से स्ट्रिप से ये वाला कट कर लेंगे हम। अब इसे हम जहाँ हमने सेंटर में अपने धागा को फोल्ड किया था ना, वहीं पर इसे इस तरह से बैठाना है। और पीछे की साइड देखिए, इस तरह से बैठाएंगे हम, और जहाँ यहाँ पे भी मेरा एक्स्ट्रा जो स्टिच बच रहा है उसे कट कर लेंगे हम। अब हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे और सुई धागे की हेल्प से इसे सिल लेंगे अच्छे से। सो इसी तरह से हमारा जो ये बो है बनके रेडी हो जाएगा। तो अभी सबसे ज़्यादा ब्लाउज में और कुर्ती में आपका ये बो वाला कुर्ती और ब्लाउज बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसकी साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जितनी बड़ी बो बनानी है, जितनी छोटी बो बनानी है इसी तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।
और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।